बिसमिल्लर अल्लाकम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करने नहीं चाह रही हूँ बल्कि मैं अपनी मोनेटाइजेशन की ख़बर आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है आपकी और सारे यूट्यूब फ़ैमिली की और बहुत से व्यूअर्स की जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं उनकी सपोर्ट की वजह से आज मेरा चैनल मोनेटाइज है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मैं इस काम को करूँगी और आपको आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करूँगी जैसा कि आप मेरी थंबनेल्स जो डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर आप देख रहे हैं बहुत सी रेसिपीज़ मैंने अपने किचन में आपके साथ शेयर की जिस तरह से मैं बनाती हूँ कबाब चपली कबाब सीख कबाब चावलों की बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की जिसमें बिरयानियाँ भी थी पुलाव और मुतंजन हर तरह की रेसिपी मैंने शेयर करने की कोशिश की कॉन्टिनेंटल विंग्स की रेसिपी शेयर की और वेटलेस रेसिपीज़ भी शेयर की डाइट से रिलेटेड ताकि जो डाइट करना चाहती हैं वो भी इन रेसिपीज़ को देखें सारे व्यूअर्स मेरी रेसिपी को देख पाएँ बेकिंग से रिलेटेड भी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की जिसमें नान खताई और रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की कोकोनट मेकरस की जिसका उसका भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह आप हमें सपोर्ट करेंगे हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ताकि हम आगे तक जा सकें और अपनी जो रेसिपीज़ हैं या जो भी काम जो भी कोई व्लॉगिंग कर रहा है जो कुछ कर रहा है उसको आगे लेके जा सकें और उसमें कामयाबी हासिल कर सकें बहुत सी सब्जियों की रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर की गई और अब को मैंने कोल्ड केक की रेसिपी और केक बेकरी बेकिंग की बहुत सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की और मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि कौन सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे अच्छी लग रही हैं अपीलिंग लग रही हैं कि उनसे रिलेटेड ही मैं वीडियोस ज़्यादा बनाऊँ तो इंसा इस तरह भी इंसान को समझ आता है कि वो किस मत डायरेक्शन में जाए और कौन सी मतलब रेसिपीज़ जो हैं वो मेरी आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं उन पर मैं काम ज़्यादा करूँ और इसी तरह आप साथ देते रहिए और इसी तरह हम सब एक दूसरे का साथ देते रहेंगे ताकि हम अपने सफ़र को आगे तक लेके जा सकें तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सारी जो है रेसिपीज जिस तरह पहले पसंद आ रही थी इसी तरह आगे भी पसंद आएंगी और आप मेरा ऐसे ही साथ देते रहेंगे तो बस दुआओं में मुझे ऐसे ही याद रखा करें मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ सबकी कामयाबी के लिए दुआगों हूँ अल्लाह सबको कामयाब करे और अपनी मंजिलों में बहुत आगे तक लेके जाए जो किसी ने सोचा है हर एक को उस, उसकी कामयाबी फरमाए आमीन तो चलिए फिर मैं आपके साथ कोई अच्छी सी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आऊँगी और तब तक के लिए आप भी मुझे दुआओं में याद रखें मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी तो तब मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़